तो क्या हालचाल करना पड़ रहा है यार। मैंने कल एक वीडियो डाली थी इस सॉन्ग के रिव्यू के में, बट वो जो था वो ऑडियो वीडियो थी। बट आज जो है ऑफिशियली म्यूजिक वीडियो आ गई है अपने सिद्धू पाजी के चैनल पर, अभी आई है। ऐसा हुआ यार ना, मुझे ना बहुत रिग्रेट हुआ। मैंने कल शाम वीडियो डाली और डालने के बाद मैं डालने के बाद जैसे वीडियो डाली, तो उसके बाद जब मैंने स्क्रॉल किया यूट्यूब पे कि देखते हैं क्या चल रहा है आजकल, तो मेरी फर्स्ट वीडियो रिकमेंड हुई सिद्धू मूसेवाला और चौड़नी ऑफिशियल वीडियो, सिद्धू मूसेवाला और डिवाइन। मुझे लगा यार फेक होगी, पर जब मैंने उसके व्यूज़ देखे, उसके व्यूज़ थे उस टाइम 7 लाख कुछ, वो कुछ 9 मिनट पहले अपलोड थी। तो मैंने उसे जैसे ही दबाया और भाई मैंने तो आँखें खुल गई कि यार मैं रिग्रेट करने लगा कि यार मैंने गलती से उस पर वीडियो बना दी। क्योंकि तो मेरे को पता नहीं था आएगी, इतना शोर नहीं था मैं इस चीज़ का। मैंने सोचा था यार, क्योंकि ऐसा कुछ आया भी नहीं कि उसकी शूटिंग हो रही है कुछ, मैंने कहा चलो इसी पे बना देते हैं। तो अब फाइनली उसकी म्यूज़िक वीडियो आ गई है, तो अब हम वो देखेंगे। लेकिन अगर किसी को डिटेल में जानना है कि ये चोरनी गाना कैसे बना, क्यों बना, किस लिए बना और क्यों डिवाइन के साथ ही बना, तो वो पहले ये वाली वीडियो देख ली। इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, ठीक है? तो वो ज़रूर वीडियो देख लेना, उससे तुम्हें बहुत सब 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 समझ में आ जाएगा पूरा। मतलब एक ना जैसे वो ना देसी भाषा में बता दिया, वो बता दिया भाई, ठीक है? तो अब इनकी म्यूज़िक वीडियो आई है, अभी इसे देखते हैं। अब मेरे को समझ में आया इसकी वो क्यों हो रहा था। आई थिंक ये VFX से बनी हुई है, आई थिंक अभी मैंने स्टार्टिंग देखी है, तुम सब ने तो लग रहा है वही VFX से बनी हुई है, ठीक है? तो देखो, अब गाना तो हमने पूरा सुन लिया था, तो अब मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, जहाँ जहाँ मुझे वीडियो में जो जो चेंज लगेंगे, जो जो नई चीज़ें लगेंगी, वो मैं आपको बता दूंगा। और कुछ चीज़ अगर ऐसी हो जो मुझसे छुट गई हो तो कॉमेंट्स में ज़रूर बता देना। मूसा फॉरएवर। देखो ये जो मैं पहले, तुम सबको पता है ये शूट कैसे हुआ, ग्रीन स्क्रीन का शूट है, लेकिन आई थिंक मेरे को लगता है ये पहले का शूट है। आई थिंक पहले का किसी गाने का है, आई थिंक मैं कंफर्म नहीं हूँ, और हो सकता है ये नया भी शूट हुआ हो, या ये VFX हो भाई, कुछ नहीं पता। ये शायद आई थिंक ये जो बैकग्राउंड में जो मैप है, ये आई थिंक GTA 5 का मैप है शायद। भाई ट्रैक्टर को कहाँ चला रखा है यार। एडिटिंग टीम ने बहुत अच्छा VFX किया है ये, देखो भाई बहुत गजब है। अभी तो मैंने आधे देखा है, बट क्वालिटी और सब चीज ना एकदम गजब है। ऐसा है जैसे फ्री फायर, उसमें नहीं होता फ्री फायर गेम में डिजाइन है थोड़ा सा ना वैसा लग रहा है मेरे को, बट है चेंज पूरा। बचपन से गुस्से वाला लेजेंड मैं हूँ, मुझसे आला कुत्ते जब रोते मतलब कोई किसी का खोने वाला, से मैं तक होने वाला आंसू और दोने वाला, टेबल पर लेबल अब है स्ट्रगल को सायोनारा, कभी ना झुकने वाला आड़ में ना झुकने वाला, जितनी मुश्किलों से ज्यादा गले में लटकते माला। मूसा निप्सी पाक सीखा मैंने इनसे, व्हाट इज रियल हिप हॉप, अ रियलिस्ट हार्ट के साथ रियलिस्ट बात, हम रियल थे कल और हम रियल है आज। सलाम मेरे भाई, अचाना है तो सबको छोड़ना काम मेरा भाई, तेरा नाम मेरा भाई, तेरा धन तेरा शन, कुछ पल की कमाई, कुछ लेकर ना जाना,
कुछ साथ में ना लाए, वो पैसा ही क्या है जिसको साथ में ना खाए। आवाज में है दम, ये है बॉम्बे लिखाई। समंदर किनारे से आग लेकर आए, घर अनाज लेकर आए, हर बीट को चबाए, रख के दिल पे रजाई। तू बस सुन मेरा भाई, तू बस सुन मेरा भाई। किया मैंने यहाँ सबसे प्यार, मुझसे कोई नहीं करता प्यार, दुनिया बेमान से। अब ये गाना मतलब ऑलमोस्ट एंडिंग हो गया। मैंने ना बहुत चीज़ ऑब्जर्व करी, बट मैंने बताई थी, मैंने कहा यार वीडियो का मज़ा ख़राब होगा। देखो जब वो कहते हैं ना, जब डिवाइन भाई कहते हुए चलते हैं अपनी जी वैगन पे, तो वो जो पीछे का रोड है और जो भी जगहें हैं वे मुंबई हैं। तुमने ध्यान से देखा होगा तो पीछे मुंबई भी लिखा था। और तो भाई जो VFX टीम ने काम किया है वो तो नेक्स्ट लेवल है। एडिटिंग इतनी मतलब सही, मतलब ये पता नहीं लग रहा कहीं से कहीं तक कि ये VFX है ये फेक है, कहीं से कहीं तक भी पता नहीं लग रहा भाई ये रियली तो नहीं है ना। मुझे कमेंट में बताओ, मैं भाई यकीन ही नहीं हो रहा ये रियल है या VFX है। और अगर देखो, अगर जो मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में जो सीन है अगर वो रियल में शूट हुए हैं तो भाई फिर तो बढ़िया, लेकिन अगर वो VFX से शूट हुए हुए हैं तो भाई जिसने मतलब किए ना एडिट, जिसने किया भाई कोड लेवल एडिट है, इसे कहते हैं कोड लेवल एडिट। बाय द वे अगर तुमको इस गाने के बारे में सारा कुछ जानना है कि क्यों इसकी लिरिक्सिंग कैसी है, क्यों है, किस लिए है, किसने लिखी है, डिवाइन के साथ ही क्यों आया है गाना, सिद्धू मूसेवाला के साथ क्यों किया है, डिवाइन ने कोलैब इतने टाइम बाद क्यों किया है, ये गाना पहले लीक हो गया था या नहीं, अगर लीक हो गया था तो अब क्यों अपलोड हुआ जा रहा है, अगर तुम्हें सब ये जानना है ना तो इस वीडियो पे क्लिक कर दो। इसकी लिंक मैं बता रहा हूँ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय द वे अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी तो उसे जाके देखो, इस वीडियो को लाइक कर दो और इस गाने को भी लाइक कर दो, जो कि तुम कर ही दोगे, कहने की जरूरत है नहीं। तो अब ज़रा मैं जा रहा हूँ, मेरे को चाय पीनी है। वूमेन सुबह हो शाम तो तेन जड़े लगते हैं।